जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट फेनी की बर्फी, जिसे हमारे घर के बुजुर्ग भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेनी की बर्फी बनाने के लिए हमें उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है फेनी। वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। हमें यहाँ पे फेनी के दो पीस लिए हुए है। आप इसे कप में नापे तो ये एक कप है। पहले हम फेनी को हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इसे तोड़ लेते हैं। अब हमारी फेनी है वो यूज करने के लिए परफेक्ट तैयार है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें हमारी फेनी है उसे डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें हाफ कप कोकोनट पाउडर डालेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे ताकि इसका जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। मैंने यहाँ पर जो रेगुलर नारियल का भूरा आता है वो यूज किया है। आप इसकी जगह पर फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। 2 मिनट हो गई है और ये अच्छे से सिक गया है। इसका जो कलर है वो भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। साथ में हम उसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे। आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने जो शुगर डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें अच्छे से बाइंडिंग भी आ रहा है। अब ये स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर एक प्लेट ली हुई है। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे फेनी का मिक्सचर है वो डाल देंगे। इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता के कतरन डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो बर्फी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसे कट करेंगे। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है तो अब हम इसे कट कर लेंगे। अभी हमारी बहुत ही टेस्टी फेनी की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी बर्फी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है, जिसे घर के बुजुर्ग भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं।